ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 19 मार्च से लेकर 25 मार्च तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मार्च महीने की इस साप्ताहिक समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावना बनने वाली है, इस सप्ताह किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मकता और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है, यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपका कर्म क्षेत्र, व्यापारिक जीवन, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य की स्थिति कैसे रहने वाली है, और लास्ट में हम आपको उपाय की जानकारी भी देने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में इस सप्ताह कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन की स्थिति कैसी रहने वाली है। चंद्र राशि से देव गुरु बृहस्पति प्रथम भाव पर प्रभावी हैं और आपके दशम भाव पर यानी कर्म भाव पर कई ग्रहों का अनुकूल प्रभाव बना हुआ है। बुध की अवस्था बहुत ही श्रेष्ठ है, सूर्य देव की अवस्था श्रेष्ठ है, तो कर्म क्षेत्र के मामले में इस समयावधि में रुके हुए कार्य आपके जीवन में बनने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। इस पूरे सप्ताह की समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में नौकरी पेशा जातकों के मेहनत के अच्छे पदों की स्थिति बनने वाली है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आप अपने जीवन में अच्छे पद प्राप्त करने में प्रमोशन जैसी स्थितियों को यदि आप अर्जित करना चाहते हैं उसके लिए समय शुभ रहने वाला है। इस पूरे हफ्ते की समयावधि में आपकी कार्य क्षमता और आपकी मेहनत काफी ज्यादा बढ़ी हुई रहने वाली है। कर्म भाव पर अनुकूल ग्रहों का प्रभाव आपको व्यापारिक उपलब्धि और व्यापारिक जीवन में भी सफलता की संभावना देने वाला है। शनिदेव आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और उदित अवस्था में आपके एकादश भाव पर प्रभावी रहेंगे, तो वर्तमान समय में यदि आप शनि जन्य क्षेत्रों में काम करते हैं, आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में या किसी प्रकार के नौकरी के क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है तो यह समय आपके जीवन में शुभता देने वाला है। इस पूरे हफ्ते अगर आपके लिए धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, आर्थिक भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी शुक्रदेव उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी होकर गुजर कर रहे हैं, तो जहां धन के मामले में आप अपने जीवन में आर्थिक समृद्धि बनाने में सफल रहेंगे, वहीं इस हफ्ते की समयावधि में आपके रुके हुए धन के प्राप्त होने का भी प्रबल योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगलदेव आपके राशि के स्वामी है और मंगल की उपस्थिति आपके एकादश भाव यानी लाभ भाव पर बनी हुई है। इसकी वजह से आपके जीवन में कर्म की जो रफ्तार है वो काफी तीव्र रहेगी और आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा धनार्जन करने में काफी ज्यादा सफल रहने वाले हैं। लाभ भाव पर कई ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में अपेक्षा से ज्यादा धन लाभ की प्रबल संभावना निर्मित करने वाला है। हालांकि मेष राशि वाले जातकों, बुध और राहु की उपस्थिति आपके द्वादश भाव पर प्रभावी है। शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसी चीजों में यदि आप निवेश करना चाहते हैं, यहां पर आपको इस सप्ताह सावधान भी रहना है। इस सप्ताह अगर पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, एकादश भाव पर शनि की प्रभावी अवस्था और मंगल की प्रभावी अवस्था धार्मिक आयोजन में भी आपको सम्मिलित करवा सकती है और इस हफ्ते की समयावधि में सामाजिक मामलों में आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के अवसर भी मिलेगा। 25 तारीख तक की समयावधि में घर में कोई मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन की संभावना बन सकती है, या तो रूपरेखा बनाई जा सकती है या किसी नवीन और मांगलिक कार्यों का आयोजन भी संभव है। मेष राशि वाले जातकों के लिए अगर इस समयावधि में वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, इस सप्ताह की समयावधि में जो शुक्रदेव आपके वैवाहिक भाव के स्वामी हैं, उच्चस्थ अवस्था में आपकी राशि के द्वादश भाव पर प्रभावी हैं, तो कहीं न कहीं आपके जीवन में इस समयावधि में जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको आसानी से मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव पर प्रभावी हैं, तो जीवन साथी का भरपूर सहयोग इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को आसानी से मिल सकता है।
संतान पक्ष के लिए यह हफ्ता बहुत ही बेहतर स्थिति दे रहा है। मेष राशि के ऐसा जातक जो पिछले समय से संतान के मामले में काफी ज्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, उनके लिए सकारात्मकता की संभावना बन रही है। साथ में अगर आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, राशि के स्वामी मंगल आपके एकादश भाव पर शनि के साथ युति बनाकर गुजर कर रहे हैं। वहीं आपके कुंडली के रोग भाव के स्वामी बुधदेव इस समय अंतराल में उदित अवस्था में राहु के साथ जड़त्व दोष का निर्माण कर रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम समय रहने की प्रबल संभावना इस समयावधि में आपको दिखाई दे रही है। इस हफ्ते की समयावधि में यानी 25 तारीख तक की समयावधि में आपको छोटी मोटी समस्याएं परेशान कर सकती है। पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करना, संतुलित भोज पदार्थों का लेना आपके लिए शुभ रहने वाला है। शराब, धूम्रपान, मांसाहार जैसे विषयों से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। शनि मंगल की युति आकस्मिक क्रोध निर्मित करती है तो आपको अपने मन में हताशा, निराशा और क्रोध पूर्वक स्थिति निर्मित करने से भी इस समयावधि में बचने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह हफ्ता आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है और आपको शुभता भी देने वाला है। अगर आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, राहुदेव आपके द्वादश भाव पर प्रभावी हैं तो इस समयावधि में जो जातक पिछले समय से काफी ज्यादा रुकावटों का सामना जीवन में कर रहे हैं तो यहां पर आपको सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना काफी शुभ रहने वाला है। मेष राशि वाले जातकों को इस हफ्ते की समयावधि में यदि आप गौशाले में जाकर गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी स्थिति आपके जीवन में श्रेष्ठ बनने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।